Hello students, and once again welcome back to your online class. We have begun with the chapter, that is chapter number 7 of your book Beehive, and the name of the chapter is Pecking, which is written by the author Jerome K. Jerome, and it is a portion from the famous novel Three Men in a Boat. So this chapter is about how you do pecking while going to any of the trip. So let's have a short recap of the third part of your video. What we have seen up till now, there were three best friends, Jerome, George and Harris. They have to go somewhere, so they were planning a trip and wanted to do the first step, that is packing. So generally, packing mein kya hota hai? You just pack the materials, whatever are needed in a trip. So in that case, what Jerome told to the friends, ki unme se koi bhi unki packing mein help nahi karega. Because Jerome is a responsible one और वो सारी packing खुद से कर सकते हैं and perfectly on time. और इस तरीके से उन्होंने अपनी first packing काफ़ी ज़्यादा easily और काफ़ी जल्दी कर दी. He was tired though because he was doing packing of three persons all together, means himself and his two friends Harris and George. But then also he was tired. ओके, टायर्डनेस वॉज नॉट एन इशू. वो टायर्ड हुए थे डेफिनेटली बिकॉज वो पैकिंग कर रहे थे यहाँ वहाँ से मटेरियल्स कलेक्ट कर रहे थे. बट वॉट अबाउट द थिंग्स? उन्हें ये लगा कि उनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और वो कुछ भी नहीं बोलेंगे. बट डायरेक्टली हैरिस ने उनको बोला दैट ही लेफ्ट हिज बूट्स. और जब उन्होंने देखा जेरम ने कि वो अपने बूट्स वहीं पर भूल चुके हैं, तो उन्होंने हैरिस पर गुस्सा किया कि आप ये चीज़ें पहले भी बोल सकते थे. When I was strapping the bag, means bag को pack कर रहे थे and उनकी chains put कर रहे थे. But Harris वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाया because उनके friend Jerome ने उनको किसी भी चीज़ के लिए responsibility लेने के लिए मना किया था. And at that, who laughed? George. और उनकी laughter कैसी लगी उस वक्त Jerome को जब उनकी packing unpacked हुई? काफ़ी ज़्यादा irritating और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए. After that, अब पैकिंग अनपैक कब हुई? जब जेरम को याद आया कि हो सकता है वो अपना टूथब्रश अंदर डालना भूल गए हो इन पैकिंग, एंड उन्होंने फिर जाकर अपनी पैकिंग को अनपैक किया. एंड व्हाट ही कम्स टू नो कि उनका जो ब्रश था वो उन्हीं के बूट में पड़ा हुआ था. एंड तब जाकर उन्होंने फाइनली नेक्स्ट टाइम दोबारा पैकिंग करी विद सो मच ऑफ क्योस. एंड जब उन्होंने पैकिंग करी, उन्हें ये याद आया कि जब सब कुछ पैक्ड हो गया तो अपने डेली यूज़ के स्पेक्टिकल्स भी उन्होंने पैक कर दिए. एंड फाइनली दोबारा उनको चीज़ों को अनपैक करना पड़ा एंड ही पैक्ड ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर 12 आवर्स. मींस वो मॉर्निंग से लगे थे 10 AM से और उनको नाइट के 10:05 PM हो गए, और तब जाकर उनकी फाइनल पैकिंग हुई थी. तो भी कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो बैग में एंटर नहीं हो पाए थे. एंड अब जाकर दोनों फ्रेंड्स ने बोला दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, we both will do the packing and let's see our talent. And जब वो लोग पैक कर रहे थे तब क्या nuisance हुआ? कुछ materials like tomato and all वो कहीं ना कहीं smashed हो गए. जो उन्होंने pies पैक करी थी वो बैग के लास्ट में at the bottom उन्होंने पैक करी तो वो भी smashed हो गई. George and Harris ने both stepped on the butter. एंड एक हैरिस की बैग पर बटर लग गया एंड द बटर वॉज वेस्टेड. देन ऑल्सो जो रिमेनिंग बटर था दे पैक्ड इट इन द टी केटल. एंड फाइनली एवरीथिंग वॉज जस्ट रबिश एंड नुइसेंस. नाउ कम्स वन मोर कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर, दैट इज द डॉग मॉन्टमोरेंसी. इसकी हैबिट क्या थी कि कोई भी कोई इंपॉर्टेंट काम करेगा सो ही हैज़ टू डिस्टर्ब हिम और हर, एंड वो उनके साथ खेलने के लिए प्रैंक्स करेंगे. लेकिन फाइनली मॉन्टमोरेंसी हर जगह से डांट कर या फिर उसके ऊपर स्क्रिम कर वहाँ से निकाला जाता था बिकॉज ही वॉज नॉट रिक्वायर्ड इन द पैकिंग. सो नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 87 ऑफ योर बुक. सी द इमेज फर्स्ट. मॉन्टमोरेंसी ने पूरा हैम्पर ख़राब कर दिया जस्ट उसमें कुछ ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, एंड उसको वहाँ से भगाया जा रहा है आफ्टर स्कोल्डिंग हिम. एंड एवरीथिंग वॉज बफल्ड अगेन. रीड द लाइन आफ्टर द इमेज. मॉन्टमोरेंसी गॉट इनटू द हैम्पर बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन.
तो यहाँ जो पर्सन है वो कौन है, मिस्टर हैरिस। एंड जब तक हैरिस ने मॉन्टमोरेंसी को फ्राइंग पैन दिखा कर डरा कर वहाँ से भगाया नहीं, वो कंटिन्यूसली हैम्पर में कुछ ना कुछ सर्च करके चीज़ों को कैसे ना कैसे बिखेर रहे थे या गिरा रहे थे। सो नाउ लेट्स कम टू दैट पार्ट फर्दर। मॉन्टमोरेंसी कब तक एक जगह से नहीं भागते थे जब तक उनको डांट कर भगाया ना जाए या फिर थिंग्स उनके सर पर थ्रोन ना हो। देन ही फील्स हिज डे वॉज नॉट बीन वेस्टेड। और तब जाकर उसको लगता था द डॉग मॉन्टमोरेंसी कि अब उसको डांट पड़ गई है तो अब उसका दिन कंप्लीट हो गया और उसने आज के दिन जो काम करना चाहता था वो कर लिया और वो दिन उसका वेस्ट नहीं हुआ। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Montmorency ki ek alag hi quality thi. वो तब तक चीज़ों को यहाँ से वहाँ बिखेरते थे, कुछ ना कुछ सर्च करते थे या लोगों के आसपास घूमते थे जब तक उसको लोग कुछ बुरा ना बोल दें या कंटिन्यूसली उसको कर्स ना करें या एक घंटे तक आराम से वो डांट ना सुन लें। तो ये उसका हाईएस्ट एम था कि वो लोगों की डांट सुने और ये चीज़ उसको पसंद आती थी। और जैसे ही वो इस चीज़ में सक्सीडेड हो जाता था, ये टास्क अकम्प्लिश कर लेता था, उसको लगता था कि वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। वो अपना डेली का काम करता है लोगों से डांट खाने का और फिर भी डेली वही हरकतें करता है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. अब क्या होता था, जो भी चीज़ जॉर्ज और हैरिस को पैक करनी हो उसी चीज़ पर आकर वो डॉग बैठ जाता था। और जब उनका एक हाथ बैग के अंदर होता था टू असेंबल द मटेरियल्स, तो उनके सेकेंड हैंड में हर बार उसकी ना कट जाती थी द डॉग मॉन्टमोरेंसी। और जो चीज़ उनको पैकिंग के लिए चाहिए थी वो उनके हाथ में आ ही नहीं पाती थी। ही पुट हिज लेग्स इन टू द जैम एंड ही वरीड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ट। अब क्या करा मॉन्टमोरेंसी ने, जो जैम वहाँ पर पड़ी थी उस जैम में उसने अपने लेग्स को पूरी तरह से भर लिया। उसने अपना एक लेग उस जैम में डाल दिया और तो भी उसको चिंता थी किसकी, टी स्पून्स की, कि टी स्पून्स जो जैम में भरे हुए हैं अब वो तो वेस्ट हो जाएगी जैम। तो उसको टी स्पून्स की चिंता थी कि बेचारे ऐसे जैम से भरे हुए। और तब जाकर उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने ये देखा कि वहाँ पर कुछ लेमन्स पड़े थे इन द हैम्पर और उसने अपने माइंड में सोच लिया कि लेमन्स उसके लिए रैट्स हैं। और जिस तरीके से डॉग रैट्स के पीछे भागते हैं उनका शिकार करने के लिए जस्ट टू किल दैम, ऐसे ही उसने क्या करा, उस हैम्पर में पड़े हुए जो भी लेमन्स थे उन 3 लेमन्स को रेड समझ के उनको किल कर दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, सी दिस 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। जब तक हैरिस ने अपना फ्राइंग पैन उसको नहीं दिखाया, उसको डांट के दूर नहीं भगाया, तब तक 3 लेमन्स पूरी तरह से स्क्वैश हो गए थे जस्ट बिकॉज मॉन्टमोरेंसी ये सोचना चाहता था कि उसने 3 रैट्स को एक दिन में किल करा। कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 14, हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। इट्स अ नेचुरल ओरिजिन सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। हैरिस कह रहा था मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको इनक्रेज करा हो कि मेरे पास आए और मेरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। मैं एक डॉग को इनक्रेज नहीं कर सकता, डॉग्स में खुद ही एक इनक्रेजमेंट होता है, अगर उनको कोई चीज़ करनी है तो कर ही रहते हैं और ये उनमें नेचुरल होता है। एक ऐसा ओरिजिनल सिन या ओरिजिनल कर्स या पाप जो उनको करना ही है, वो इसी सिन के साथ बॉर्न होते हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनेंगे और वो अपने मन की करेंगे जब तक कि वो थिंग्स वैसी नहीं हो जाती। The packing was done at 12:50. Again 10:05 से 12:50 तक last packing हुई and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. Packing ख़त्म होने के बाद Harris थक कर कहाँ बैठा,
काफ़ी ज़ोर से एक्साइटमेंट में हैम्पर के ऊपर जहाँ पर सारे खाने पैक्ड थे। और फिर उसने होप किया कि उसके इस तरीके से बैठने से अंदर कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। जॉर्ज ने बोला अगर कुछ टूटना होगा तो डेफिनेटली वो टूट चुका होगा, तब उसके बारे में सोचकर कुछ नहीं होगा, अब आप कंफर्ट में रहिए, मींस अब हमारी पैकिंग हो गई, लेट अस रिलैक्स। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। उसने ये भी बोला कि अब वो सोना चाहता है, तो अगर अभी कोई भी बेड रेडी हो तो वो उस पर अभी से जाकर सो सकता है। ही वॉज रेडी फॉर गोइंग टू द बेड। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। तब जाकर जेरम ने क्या बोला कि सिर्फ अकेला जॉर्ज नहीं, हम तीनों रेडी थे कि हम एक बेड पर जाएं, वो इतने ज़्यादा टायर्ड थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। हैरिस उनके साथ सोना चाहता था उस रात को, बट वो नीचे ही सो गया और ये लोग ऊपर चले गए। वी टॉस फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड। फाइनली फिर हैरिस आया और उन्होंने बेड के लिए टॉस करा कि कौन सेपरेटली सोएगा और कौन दो जने साथ में। एंड टॉसिंग में कौन हारा? द ऑथर जेरम। इसलिए जॉर्ज अकेला सोया एंड जेरम के साथ हैरिस ने बेड शेयर किया। नाउ ही सेड, डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरिस सेड इट वॉज ऑट। जॉर्ज सेड वॉट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? हैरिस सेड 7। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंसेस एंड सेड 6:30। वेकस एट 6:30 जॉर्ज वी सेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, हैरिस ने ये पूछा कि आप बिल्कुल बेड के मिड में सोना चाहते हैं इनसाइड द बेड या फिर आउटसाइड द बेड किसी एक कॉर्नर पर? तो जेरम ने बोला डेफिनेटली मैं बेड के इनसाइड सोना चाहता हूँ, मीन सेपरेटली या अलग, बट कोई ऑप्शन नहीं है, सो दे बोथ हैव टू स्लीप आउटसाइड। तब जॉर्ज जो कि सेपरेटली सो रहा था उसने ये पूछा कि आप दोनों फेलोज को कब उठाना है? हैरिस एग्रीड हुआ ऑन द टाइम ऑफ 7 AM, बट जो जेरम था वो कब एग्रीड हुआ? एट 6, क्योंकि उसको कुछ लेटर्स लिखने थे बिफोर गोइंग टू अ ट्रिप। बट फाइनली उन दोनों के बीच में कुछ टाइम इश्यूज हुए, उन दोनों ने एक मिडिल टाइम स्प्लिट अप किया और वो टाइम क्या था? 6:30 AM का। सो जॉर्ज सेड कि वो उनको 6:30 या फिर 6:30 AM पर वेकअप कर देगा। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, सो वी प्लेस द बाथ और द बेथ वेर ही कुड टम्बल इन टू इट एंड गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। अब जॉर्ज ने इनके टाइम डिसीजन का लास्ट टाइम पर कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि वो ऑलरेडी सो चुका था। एंड तब जाकर इन्होंने क्या करा, दे प्लेस द बाथ, वो नहाने गए, और तब जाकर एक जनरल मॉर्निंग वॉक के लिए भी वो गए, और फिर जाकर वो बेड पर आकर लेट गए। मॉर्निंग वॉक उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि 12:30 के अप्रॉक्स उनकी लास्ट पैकिंग हुई थी, मीन्स मिडनाइट। तो जब वो नहाने गए उन्होंने एक स्मॉल सा कुछ राउंड लिया, उसके बाद जाकर वो दोनों बेड के लिए गए। एंड फाइनली देयर पैकिंग वॉज डन एट लास्ट। सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर 7 पैकिंग विच वॉज रिटन बाय जेरम के जेरम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 Men in a Boat विच इज़ अ नॉवल। Thank you, class, and have a nice day.